आज हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अभ्यास करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि मुझे किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बटरफ्लाई के बारे में सर्च करना है तो मैं इंटरनेट के ऊपर जाऊँगा और इंटरनेट के ऊपर जाने के बाद जिस भी चीज़ के बारे में मुझे सर्च करना है विच इज़ इन दिस केस बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई ये वर्ड मैं सर्च बार के ऊपर टाइप करूँगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा वैसे ही बटरफ्लाई से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं सारे के सारे रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे और इसी चीज को कहा जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जिस भी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस चीज को वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेरी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बटरफ्लाई प्रोवाइड किया और फिर उस चीज के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाता है तो बेसिकली ऐसा करके हमने क्या किया ऐसा करके हमने उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया राइट right? और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अब अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में चीजें और ज्यादा क्लियर होगी राइट right? अब इसका डेफिनेशन ये कहता है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डील्स With organization, storage, retrieval, and evaluation of information from document repositories, particularly textual information. ठीक है ये है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का डेफिनेशन मुझे पता है कि थोड़ा सा वियर्ड सा डेफिनेशन आपको लग रहा होगा बट आगे जो भी चीजें मैं बताऊंगा उससे आपको ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होगी अब जब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का नाम सुनते हैं हमारे आंखों के सामने वेब सर्च एज एन एग्जाम्पल आता है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वेब सर्च बस एक ही इसका एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ई सर्च जहाँ पे भी एक बहुत बड़े एरिया से या एक बहुत बड़े स्टोरेज स्पेस से हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को ही इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कहा जाता है अब ये प्रोसेस कहीं पर भी, भी हो सकती है ये प्रोसेस वेब सर्च में हो सकती है ये प्रोसेस ई सर्च के ऊपर भी हो सकती है बहुत सारी जगह है जहाँ पे यह प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का एक जनरल

कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो भी यूज़र है उसकी क्वेरी को या उसके रिक्वेस्ट को देखेगा और उस रिक्वेस्ट क्वेरी से रिलेटेड जो भी एग्जैक्ट आंसर है या जो भी एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो उसको दे देगा आउटपुट का मतलब ये नहीं होता आउटपुट का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम यूज़र को बताएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो उन डॉक्यूमेंट्स के लोकेशंस भी यूजर को बताएगा और वो ये बोलेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन या रिलेटेड सोल्यूशन या रिलेटेड आंसर्स तुम्हारे क्वेरी के या तुम्हारे रिक्वेस्ट के हो सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा या यूजर के रिक्वेस्ट का एक प्रॉपर आंसर दे पाएगा उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम इंटरनेट के ऊपर किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं या बेसिकली कोई अगर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट देने के बाद जब हम एंटर दबाते हैं तब एंटर दबाने के बाद हमारे सामने उस रिक्वेस्ट का एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ जाता हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग लिंक्स आते हैं और उन लिंक्स के अंदर हमारे रिक्वेस्ट से रिलेटेड रिलेवेंट सोल्यूशंस या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है ठीक है और चांसेस बहुत ज्यादा है कि उन लिंक्स में से जो सबसे ऊपर का लिंक है उसमें हमारे रिक्वेस्ट से सबसे ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो ओके okay, तो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है अब हम समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के चैलेंजेस क्या है अब वैसे तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के बहुत सारे चैलेंजेस हैं एक्चुअली इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से मेरे नोट्स के अंदर भी लिखा है बट तीन ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं इन्फॉमेशन रिट्रीवल के जो हमें समझने की ज़रूरत है अब इन तीन चैलेंजेस में से सबसे पहला चैलेंज या इसको तुम तो प्रॉब्लम भी कह सकते हो इस प्रॉब्लम का नाम है एडहॉक रिट्रीवल प्रॉब्लम अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है देखो लेट्स फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के ऊपर तुमने किसी चीज़ के बारे में सर्च किया अब सर्च करने के बाद इंटरनेट तुम्हें अलग अलग रिजल्ट शो करेगा या तो वो तुम्हें अलग अलग पेजेस दिखाएगा या तो तुम्हें वो अलग अलग लिंक्स देगा ओके okay, जिसके अंदर तुम्हारे सर्च से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा राइट right? बट बहुत बार क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लिंक्स ऐसी होती है जिनमें तुम्हारे सर्च से रिलेटेड कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है कोई भलता ही इन्फॉर्मेशन होता है या बहुत बार ऐसे पेजेस वो तुम्हें सजेस्ट करेगा जिनमें अगेन तुम्हारे सर्च से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा भलता ही कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा और इस प्रॉब्लम को कहा जाता है एड हॉक रिट्रेबल प्रॉब्लम अब हम दूसरे चैलेंज के ऊपर जम्प करते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे तुम पाइथन ये वर्ड सर्च करते हो अब यहां पे तुमने पाइथन इसीलिए सर्च किया क्योंकि तुम पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हो बट यूट्यूब के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को यह लगता है कि तुम्हें पाइथन स्नेक बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए तुम पाइथन स्नेक के वीडियोस देखना चाहते हो और इसीलिए वो तुम्हें पाइथन स्नेक के वीडियोज सजेस्ट करता है ठीक है जब एक ऐसा वर्ड होता है या जब कुछ ऐसा होता है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं जैसे कि फॉर इन दिस केस दैट इज़ पाइथन तो जो हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है उसे ये नहीं पता चलता कि तुम्हें उन मीनिंग्स में से किस मीनिंग से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम्हें जिस मीनिंग से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ना मिले और उस वर्ड या उस चीज के किसी दूसरे मीनिंग से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने पाइथन लैंग्वेज के लिए सर्च किया था बट तुम्हें पाइथन स्नेक के वीडियोस मिल गए ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है और इसका और एक एग्जाम्पल है विच इज अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा विच इज़ बी डबल ई ठीक है तो अभी बी डब्लू जब तुम सर्च करोगे तो तुमने यहाँ पे बी डब्ल इस सब्जेक्ट के लिए सर्च किया है बट जो तुम्हारा कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है या यूट्यूब का इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है उसे ये लगता है कि तुम्हें हनी भी बहुत ज्यादा पसंद है और देन वो तुम्हें हनी भी के वीडियो सजेस्ट करता है विच इज वेरी वियर्ड राइट तो ये प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अब अगला चैलेंज यह कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का सबसे ज़्यादा वीक लिंक होता है और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स या बहुत सारे लोग गवार होते हैं बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं इलिटरेट होता है अब अगर सपोज वो किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं या किसी वर्ड के बारे में सर्च कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सेज दैट कि एटलीस्ट उस वर्ड का स्पेलिंग तो सही लिखो ओके okay. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्पेलिंग गलत लिख के आ जाते हैं तो उसके वजह से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को बहुत बार पता ही नहीं चलता कि वो किस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं और इसीलिए जो भी रिज़ल्ट उन्हें बाद में देन मिलते हैं वो रिजल्ट्स उनके सर्च रिक्वेस्ट से रिलेवेंट नहीं होते है. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हाई क्वालिटी क्वेरी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जितना ज्यादा तुम अपनी क्वेरी को स्पेसिफिक बना सकते हो या बेसिकली डिटेल में बना सकते हो उतना ज्यादा तुम्हें उस क्वेरी को डिटेल में बना च, न, बनाना चाहिए और उतने ज्यादा देन बाद में एक्यूरेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगा ओके अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो ये हमारा प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे थैंक यू